चलते हैं मुंबई, जहां बांद्रा रेलवे स्टेशन पर हजारों प्रवासी मजदूरों की भीड़ जमा हो गई। वे अपने जगहों पर जाने के लिए, अपने अपने गृह जनपद जाने के लिए, अपने गांव जाने की मांग कर रहे थे। मजदूरों को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। इनमें यूपी और बिहार के मजदूरों की बड़ी संख्या थी। इन मजदूरों को आज लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार था। बेकाबू मजदूरों के ऊपर पुलिस लाठियां भाज रही है और मजदूरों को तितर बितर करके उनके स्थानों पर भेजने की कोशिश की जा रही है। सीधे चलते हैं मुंबई, जहां उद्धव ठाकरे इस मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। देखते हैं वो क्या बोल रहे हैं। हे थोड़े से गंभीर है, पण ते सुद्धा स्टेबल आहेत, स्थिर आहेत। पण एक विशेष मी आपल्याला सांगू इच्छितो। आज मी दोन जणांशी बोललो। एक आहे म्हणजे योद्धा कसा असतो, हे जे काही संकट आहे असं कोणी समजू नये की कोणाला ह्याची लागण झाली म्हणजे संपलंच। नाही, संपत बिंपत काही नाही आहे। एक हिंमत असली, जिद्द असली तर त्याच्यावर आपण मात करू शकतो। आणि मी दोन जणांशी आज बोललो। एक आहे एक चिमुकला योद्धा तनिष्क मोरे, 6 महिन्याचं बाळ आहे। त्या बाळाच्या आईसोबत मी आज बोललो। तो उद्धव ठाकरे मुंबई से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और तमाम अपनी उपलब्धियों और किए गए इंतजाम के बारे में बता रहे हैं, और साथ ही साथ उनके बेटे जो मंत्री भी हैं महाराष्ट्र सरकार में, उन्होंने सारा ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ा है और उन्होंने कहा है कि जरूरी इंतजाम हमने तमाम प्रवासी मजदूरों के लिए किए, उनके भोजन, उनके रहने के लिए। लेकिन उनको उम्मीद थी कि आज केंद्र सरकार उनको उनके घर लौटने का कुछ न कुछ इंतजाम करेगी, क्योंकि किस दिन का लॉकडाउन आज खत्म हो रहा था। ऐसी स्थिति में मजदूर इस उम्मीद में बांद्रा स्टेशन पर इकट्ठे हो गए, तो उन्होंने राज्य सरकार के द्वारा किए गए इंतजामों के बारे में बताया और साथ ही साथ ये सारा ठीकरा जो है उन्होंने केंद्र सरकार के ऊपर फोड़ दिया। उद्धव ठाकरे क्या कुछ बोल रहे हैं, इसको जानने के लिए सीधे चलते हैं अपने संवाददाता जो मुंबई में उपस्थित हैं, राहुल अस्थाना। राहुल, आप बताएं कि चूंकि मराठी में बोल रहे हैं उद्धव ठाकरे, तो क्या बोल रहे हैं और क्या बताना चाह रहे हैं? देखिए सर, मैं सबसे पहले बताऊं कि नियमित रूप से अलग अलग कुछ दिनों का इंटरवल देकर उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में एक लाइव कॉन्फ्रेंस करते हैं, संबोधित करते हैं पूरे राज्य को, तो उसी क्रम में आज भी ये संबोधित कर रहे हैं उद्धव ठाकरे। देखिए, उद्धव ठाकरे इस वक्त पूरे महाराष्ट्र के राज्य को एक तरीके से एनकरेज कर रहे हैं, ये बता के कि कुछ ही दिन पहले उनकी मुलाकात एक 6 महीने की बच्ची के साथ हुई थी और उस बच्ची की माँ के साथ हुई थी, जो दोनों पॉजिटिव पाए गए थे, लेकिन बाद में उनका उपचार किया गया और वो पूरी तरीके से ठीक हो गए और उन्हें घर भेज दिया गया बीएमसी द्वारा। तो अगर एक छोटे 6 महीने की बच्ची ठीक हो सकती है तो दूसरे लोग क्यों नहीं ठीक हो सकते। इस तरीके का एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल उद्धव ठाकरे ने दिया है और ये बताने की कोशिश की है कि लोगों को डरना नहीं, मतलब लोगों को एक तरीके का तरीके से एनकरेज करने की कोशिश की है। इसी तरीके से उद्धव ठाकरे ये बता रहे हैं कि उन्होंने महाराष्ट्र में कल ही एक स्पेशल टास्क फोर्स की टीम बनाई है। इस स्पेशल टास्क फोर्स की टीम में अलग अलग जो डिनोमिनेशन होती है साइंस में, यानी कि कोई हार्ट का स्पेशलिस्ट होता है, कोई आई सर्जन होता है, आंखों का एक्सपर्ट होता है, कोई लिवर का एक्सपर्ट होता है, तो इस तरीके की तरह से जो अलग अलग एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं अपने अपने फील्ड में, उन एक्सपर्ट्स की एक टीम बनाई है, उसे स्पेशल टास्क फोर्स कहा गया है। ये जो स्पेशल टास्क फोर्स है ये बीएमसी के साथ मिलकर काम करेगी और कोविड-19 से जो ग्रस्त लोग हैं और जो पॉजिटिव पाए गए हैं उनको कैसे उनको एक अलग तरीके से राहत पहुंचा सकती है ये स्पेशलिस्ट टीम, तो उस पर वर्कआउट करेगी। तो इस तरीके से कोविड-19 के खिलाफ महाराष्ट्र के डॉक्टरों की जो लड़ाई है उसको बूस्टअप करने की बात उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। आपको, राहुल, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज बांद्रा में जो प्रवासी मजदूर इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठा हो गए और 27 लोगों को मुंबई पुलिस ने अफवाह फैलाने के आरोप में गिरफ्तार भी किया है, ऐसी स्थिति में प्रवासी मजदूरों को क्या खबर थी, क्यों इकट्ठा हो गए? देखिए, आज की घटना की अगर बात करें तो इन्हीं लोगों को कुछ एक कंफ्यूजन करने या एक किसी प्रकार की झूठी जानकारी इनको दी गई थी कि आज इन सबको इकट्ठा होना है और कहीं ना कहीं ट्रेन से इनको जाने का मौका दिया जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हजारों की संख्या में ये माइग्रेंट वर्कर्स जो है, जो अलग अलग राज्य के हैं, ये बांद्रा के पश्चिम यानी कि बांद्रा वेस्ट में इकट्ठा हो गए बांद्रा रेलवे स्टेशन के बाहर और वहां पर ये अपनी मांग करने लगे कि उन्हें उनके गांव भेज देना चाहिए। तो इस प्रकार से एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर मुंबई पुलिस का हम देख सकते हैं। राहुल, ये बताएं, राहुल ये बताएं कि जो हजारों की तादाद में प्रवासी मजदूर इकट्ठा हुए,
तो मुंबई पुलिस ने लाठियां भी भाजी जैसा फुटेज में हम देख सकते हैं, तो क्या सारे मजदूरों को उनके घर वापस भेज दिया गया जहां से वो आए थे चल के, या कुछ आश्वासन उनको दिया गया कि भाई बात की जा रही है या देखते हैं कोई अल्टरनेटिव इंतजाम हो सकता है, या आउटराइट उन्हें सीधे तितर बितर करके भगा दिया गया? देखिए सर, ये बहुत गंभीर सवाल आपने किया है और इसी सवाल में एक इंटेलिजेंस फेलियर या फिर एक फेलियर मुंबई पुलिस का छुपा हुआ है। वो कुछ इस प्रकार से है कि जब इस क्राउड को डिस्पर्स करने की कोशिश की, यकीनन मुंबई पुलिस ने इनको समझाने की कोशिश की, लेकिन ये अपनी मांगों पर अड़े थे कि उन्हें अपने घर यानी कि अपने राज्यों में लौटना है वापस जल्द से जल्द। तो उस वक्त जब सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हुई मुंबई पुलिस ने लाठीचार्ज की, लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी गलती मुंबई पुलिस ने की वो ये थी कि इन लोगों का डेटा कलेक्ट नहीं किया गया है। इनका नाम और मोबाइल नंबर लेना चाहिए था जो नहीं लिया, क्योंकि ये लेना इससे जरूरी था कि मान लीजिए कि अगर एक ऐसी इंसिडेंट होता है कि इस भीड़ में कोई कोरोना पॉजिटिव भी पेशेंट था तो क्या उसने इस पूरी भीड़ को इन्फेक्ट कर दिया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो क्या ये जितने भी लोग आज बांद्रा में इकट्ठा हुए थे, क्या उन्हें सरकार क्वारंटाइन कर पाएगी? अब क्या उनका मेडिकल चेकअप कर पाएगी? और अगर नहीं कर पाएगी तो यही वो फेलियर है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो इस तरीके से हमारे पास जो जानकारी है वो यही है कि इनका कोई डेटा नहीं लिया गया था। जैसे ही लाठीचार्ज हुई तो ये सब लोग अपने अपने इलाकों की तरफ भाग गए, जिसे जैसा मौका मिला वो वैसे वहां घटनास्थल से निकल गया। और इस तरीके से मुंबई पुलिस ने अपनी खुद की पीठ थपथपाई। लेकिन ये बड़ी शर्म की बात है कि मुंबई पुलिस का इतना बड़ा फेलियर हुआ है और अभी तक महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई मुंबई पुलिस पे हमने नहीं देखी है।